आज हम एक दाल की रेसिपी बनाएंगे। आप तो दाल बहुत बार खाए होंगे लेकिन इस तरह से कभी नहीं बनाए होंगे। आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिए कितने टेस्टी है, इजी है बनाना और हेल्दी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अरहर दाल का अच्छी तरह से धोकर भिगोने के लिए रख देंगे आधा घंटे के लिए। अब हम एक कुकर में डालेंगे दाल, टमाटर, ग्रेट किया हुआ अदरक, तेजपत्ता, हरी मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़ा सा हींग डालेंगे। अब इसमें हम पानी डालकर कुकर का लीड बंद करके हम इसको हाई फ्लेम में दो हिस्से लाने के बाद गैस बंद कर देंगे। अब हमारा दाल अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तड़का के लिए हम एक कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। अब हम इस तड़के को दाल में डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा गाय का घी ऊपर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमारा दाल फ्राई एकदम रेडी हो गई है। आप इसे चावल या रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस तरह से एक बार जरूर बना कर देखिए। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए।